धर्मशाला के समीप दाड़ी स्थित मेला ग्राउंड में अब व्हीकल की नो एंट्री होगी। यही नहीं, ग्राउंड में निर्माण सामग्री को डंप करने की भी कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। इस संबंध में नगर निगम ने प्रक्रिया शुरू करके नोटिस जारी किए हैं तथा आगामी 10 दिनों के भीतर ग्राउंड को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। निगम प्रशासन को ग्राउंड में गाड़ियों की पार्किंग की वजह से युवाओं को खेल गतिविधियां संचालित करने और सीनियर सिटीजन को सैर करने में हो रही परेशानी संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिस पर अब निगम प्रशासन ने ग्राउंड को दोनों तरफ से बंद करके एकमात्र खेल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने बताया कि कई लोगों द्वारा ग्राउंड में गाड़ियां खड़ी की जा रही थी। कई लोगों ने ग्राउंड में निर्माण सामग्री फेंकना भी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से स्थानीय युवाओं की ओर से खेल गतिविधियां प्रभावित होने और सीनियर सिटीजन्स द्वारा सुबह शाम सैर करने में परेशानी की शिकायतें नगर निगम को दी जा रही थी, जिस पर अब ग्राउंड को दोनों तरफ से बंद करने की प्रक्रिया शुरू करके नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं तथा 10 दिन के भीतर ग्राउंड को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाएगा, जिससे ना तो कोई वाहन ग्राउंड में जा सकेगा और ना ही निर्माण सामग्री डंप की जा सकेगी। हमें बड़ी सारी कंप्लेंट्स आई थी, बड़े सारे बच्चे हमसे मिले थे, बुजुर्ग मिले थे कि बच्चों के खेलने के लिए वहाँ बहुत मुश्किल हो रही है और जो बुज़ुर्ग हमारे शाम को सुबह सैर करते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 10 दिन के भीतर हम ग्राउंड को पूरा बंद कर देंगे और जितनी भी गाड़ियां अंदर लगी हैं उनको बाहर निकालेंगे। और कुछ लोगों ने वहां पे एक डंपिंग साइट बना के रखी है, जो रेत बजरी वहां फेंकते हैं और वहीं से उसको सप्लाई करते हैं, उस सभी को हम लोग बंद कर रहे हैं। और ग्राउंड के अंदर अब सिर्फ लोग सैर कर सकते हैं और जो छोटे बच्चे, जो भी बच्चे खेलना है जो चाहते हैं उन्हीं के लिए हम उसको ओपन करेंगे, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे प्रतिबंधित होंगी। और इसके लिए हमने नोटिस निकाल दिया है और अगले 10 दिन के भीतर भीतर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, वहाँ पे ग्राउंड टोटल बंद कर दिया जाएगा। पार्किंग ट्रैक तो प्रस्तावित नहीं है, लेकिन ग्राउंड को पहले हमें पूरा खाली करना पड़ेगा और उसमें घास वगैरह का प्रबंध करना पड़ेगा ताकि ग्राउंड के जो चारों तरफ है लोग उसमें सैर कर सकते हैं, वॉकिंग पाथ वहाँ पे। लेकिन उसको पक्का करने के अभी तक हमारा प्रपोजल नहीं, अभी तो वो सिर्फ ग्राउंड ही उसको यूज़ करेंगे और बीच में बच्चे खेल सकते हैं और जो लोग सैर, जो बुज़ुर्ग सैर करना चाहते हैं वो ग्राउंड में सैर कर सकते हैं चारों तरफ।